हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पालमपुर रेलवे स्टेशन. तो दिस इज़ दी पालमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ टॉय ट्रेन. सामने गुफा है, पवित्र गुफा. यहाँ से जेंट्स के लिए आगे से व्यू होता है. तो इन प्यारे खूबसूरत नज़ारों के साथ आज का दिन शुरू करते हैं. और अभी जस्ट नाश्ता करके आए हैं हम लोग और टाइम हो गया 10:11 बजे तक का चेकआउट भी हमारा. और इन खूबसूरत पहाड़ों को बाय बोलने का वक्त आ गया है. यहाँ पे देखिए नीचे गांव वाले घर हैं, यहाँ पे पुराने, ऊपर टाइलों वाले घर होते हैं ये सामने की तरफ. और यहाँ पे देखिए घास रखा हुआ सूखा के पेड़ों पे, ये सर्दियों में काम आता है गाय भैंसों को चारा डालने के लिए. तो आज का प्लान है, पहले तो घर वापसी का प्लान था आज ही, लेकिन अब पहले कुल्लू जाने का प्लान था. बट वहाँ पे जो हमने देखा कि क्रिसमस वाले वीकेंड पे जो रश हुआ मनाली में, तो उससे हमने सोचा चलो कुल्लू भी नहीं जाएंगे. तो बस आज वापसी का प्लान था, लेकिन आज हमने सोचा कि हमीरपुर से निकलना है तो बाबा बालकनाथ के भी होते जाएंगे दर्शन करते हुए. तो आज एक हमीरपुर में स्टे लिया हमने रात का. तो यहाँ से भी निकलते हैं, चेकआउट करेंगे, पहले हमीरपुर की तरफ जाएंगे और बाबा बालकनाथ का दर्शन करते हुए निकलेंगे घर की तरफ. तो दोस्तों निकल गए हैं, सुबह के 11:30 हो गए और पालमपुर होटल से चेकआउट कर दिया हमने. अब एक बार हम पहले जाएंगे पालमपुर स्टेशन की तरफ, वहीं से आगे हमीरपुर का रास्ता कटता है. तो देख लेते अगर ट्रेन का कोई टाइम सूट कर रहा होगा, क्योंकि हमें छोड़ दे और ले भी आए वापस तो एक राइड बनती है. और ये आ गया हमारा कल, यहाँ पे हमने खाना खाया था डाउनटाउन पालमपुर. और ये कट आ गया है हमारा सौरभ वन विहार का, यहाँ से लेफ्ट को है और सीधा हम जा रहे हैं अभी पालमपुर मार्केट से. पहले ही राइट हो जाएगा. कितना ही बढ़िया टाउन था पालमपुर, छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा. पेट्रोल पम्प भी है यहाँ पे पास में इंडियन ऑयल का. अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पालमपुर रेलवे स्टेशन. तो क्या ही बढ़िया सुंदर नज़ारे हैं यार यहाँ के, एकदम चीड़ के पेड़ों के बीच में से पाइन ट्रीज. सो दिस इज़ दी पालमपुर रेलवे स्टेशन ऑफ टॉय ट्रेन. तो यहाँ पता कर रहे हैं कि कांगड़ा वाली साइड की कब तक आती है ट्रेन. और देखिए कितने छोटे छोटे ट्रैक हैं और इनका प्लेटफॉर्म है. और अभी यहाँ पता कर रहे हैं हम टिकट का क्या सिस्टम है. स्टेशन मास्टर, ये वाला स्टेशन काफ़ी साफ़ है. कल जो हम रुके थे बैजनाथ वाले पे, वहाँ पे तो भाई बहुत ही वो था रेनोवेशन. तो ये था पालमपुर स्टेशन का कुछ नज़ारा. अब ट्रेन का पता किया था तो ट्रेन कह रहे थे अराउंड 3 बजे आएगी यहाँ से टुवर्ड्स कांगड़ा. फिर वही घूम के हमें 7:30 यहाँ पे पहुँचाएगी हमको. तो ठीक है गाइस, बस अब निकलते हैं यहाँ से. यहाँ पे देख लिया हमने स्टेशन और अगली बार के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए बस. सो फार सो गुड. अब बढ़ते हैं आगे हमीरपुर की तरफ, टाइम इज 12. तो चलिए चलते हैं ऑन द वे. तो गाइस अभी भी हम रास्ते में है पालमपुर हमीरपुर रोड पे चल रहे हैं. अभी जो मोरांडा गांव से स्टार्ट हुआ था अभी उसी पे चल रहे हैं. और अराउंड अभी हमने 50 किलोमीटर कवर कर लिया है. जब स्टार्ट किया था तो 101 किलोमीटर था वहाँ से, और अभी अराउंड 50 रह गया है. और तो और 1.5 घंटा दिखा रहा है टुवर्ड्स जियोट से बाबा बालकनाथ मंदिर. तो अभी स्ट्रेट रोड ही, अभी हमने मोरांडा से सुजानपुर, सुजानपुर से अब हमीरपुर आने वाला है 10 किलोमीटर में. और रोड्स काफ़ी मतलब छोटी है, स्टेट हाईवे है ये. और रास्ता मतलब इतना रश नहीं है इसमें, बस रोड इतनी है, ये नैरो है. बीच में अगर जैसे शहर आते हैं गांव आते हैं तो इतनी छोटी रहती है रोड. तो बस अभी थोड़ा सा जंगल आया था, मैंने कहा चलो आपको भी थोड़े नज़ारे दिखा दिए जाएँ. तो हम हमीरपुर क्रॉस करके आ गए हैं. तो शिमला वाली रोड को हमने छोड़ दिया, वहाँ से हमने ऊना वाला कट ले लिया. और उसके बाद फिर एक दियोट सिद्ध की रोड अलग कट जाती है. तो मुझे लगता है ये दियोट सिद्ध रोड है जो ये हम अगले 20 किलोमीटर ऐसे ही रहेगा, जंगल जंगल वाला रास्ता. और कितना ही प्यारा रास्ता है ये.
रोड बेशक पतला है लेकिन चारों तरफ वही जंगल ही जंगल। तो बस पहुंचने वाले हैं अब बाबा बालकनाथ मंदिर। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर रह गया और ये बीच में जंगल वाला रास्ता आ जा रहा है और ट्रैफिक भी ऑलमोस्ट कम ही है अभी। मुझे लगता है ये दूसरी साइड पे होगा अभी ट्रैफिक, क्योंकि हम लोग ऑफ लोकेशन से आ रहे हैं जो कि गांव-गांव और जंगल वाला रास्ता है, जो मेन हाईवे है जहाँ से कि पंजाब और बाकी यात्री आते हैं, दिल्ली वाले वो सब बड़सर वाली साइड से आते हैं। तो रास्ता देख के मन नहीं भर रहा। सो मच रिकमेंडेड रास्ता है भाई, अगर आप हमीरपुर से आ रहे हैं तो ये वाला रास्ता ज़रूर लें एक बारी। बीच में एक ही गांव पड़ता है, उसमें ट्रैफिक होता है, बट वर्थ है रास्ते के हिसाब से। तो पहुंच गए हैं दियोटसित की गलियों में, आज ऊपर आने दिया, पार्किंग भी मिल गई आगे जगह। सो रश अभी लग नहीं रहा, गाड़ियाँ तो हैं पार्किंग में फुल, गलियों में भी लगी हुई हैं, बट देखते हैं अब आगे जाके रश कितना है और प्रसाद वगैरह लेते हैं। यहाँ पे रोड का प्रसाद चढ़ता है बाबा जी को। तो चलिए प्रेमचंद चौधरी जी की दुकान से लेते हैं रोड और आगे है मंदिर का गेट। तो ये मेन एंट्रेंस यहाँ की मंदिर की, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ है, सामने पेड़ है। जय बाबा बोला। मंदिर के लिए रास्ता, वैसे नीचे से सीढ़ियों का रास्ता भी आता है, जो लोग शाहतलाई से सीढ़ियों से आना चाहते हैं उनके लिए सीढ़ियों का रास्ता भी है पैदल का, और गाड़ी वाला तो आपने देख ही लिया। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। जय बाबा जी। तो यहाँ से आप आ सकते हैं, यहाँ पे जूता उतारने का भी रास्ता है यहाँ पे दिया हुआ, और ऊपर से हम आ रहे हैं वहाँ पेड़ के वहाँ से, और यहाँ पे ये स्थान बनाया हुआ और ये मेन एंट्री है। मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता ये है और ये अंदर जाने का। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से एग्जिट करके अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम वहाँ से आ रहे हैं ऊपर से, और यहाँ से लेडीज़ के दर्शन इस तरफ से होते हैं, और ये सामने गुफा है पवित्र गुफा, यहाँ से जेंट्स के लिए आगे से व्यू होता है। और यहाँ देखिए नए साल की तैयारियाँ चल रही हैं, आज 29 तारीख है, और यहाँ देखिए कितना ही बढ़िया नज़ारा है। ये पैदल जाने वालों का रास्ता है और ये पवित्र गुफा, यहाँ पे नीचे भी मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं मंदिर के। जय बाबा जी। हो गए हैं दर्शन, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर बैठे थे मंदिर में 10-15 मिनट, और मंदिर में जब भी जाओ थोड़ी देर बैठना ज़रूर चाहिए, इतनी दूर से आप लोग आ रहे हैं दर्शन कीजिए। दर्शन एकदम खुले हुए, एकदम खाली था, कोई भीड़ की टेंशन नहीं। तो आ गए वापस पार्किंग में, यहाँ पे देखो ये सराय नंबर 9 है जो सबसे बड़ी, यहाँ पे पहले ही घुसते मुझे सबसे बड़ी यही पार्किंग दिखती है, तो यहीं मैंने लगा ली धौलागिरी भवन में। तो यहाँ पे भी पार्किंग फ्री है और अभी रश नहीं है, तो यहाँ पे जगह मिल गई है। वैसे जो गाड़ियाँ लगी हैं आएगी सराय में लोग आए होंगे अभी भी, और यहाँ पे कुछ नई सरायें भी बन रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं होटल की तरफ, होटल सागर व्यू हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले लंच हमारा फिर से लेट लंच पेंडिंग है, देखते हैं अगर रास्ते में कुछ मिलता है शाहतलाई में। तो जो नीचे वाला रोड आ रहा है, हम चेक पोस्ट पर पहुँच गए जो अराउंड 1 किलोमीटर नीचे है मंदिर से। यहाँ से जो ये नीचे वाला रोड आ रहा है ये है अपना दियोटसित रोड जहाँ से हम लोग आए हैं, और जो अगर हम सीधा इस तरफ चले जाएंगे तो ये आ जाता है हमारा शाहतलाई वाला रोड। तो आज यहाँ पे कोई पुलिस वाला तो है नहीं, आई गेस जब भीड़ होती होगी तब पुलिस वाले यहाँ रोक लेते हैं। तो जब हम लास्ट ही रहते तो हमें यहाँ तक तो आ गए थे, बट पुलिस वालों ने यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी उन दिनों। तो चलिए अब आगे देखते हैं कोई बढ़िया सी लंच की दुकान मिलती है, कोई ढाबा शाहतलाई में। तो गाइस पहुंच गए हैं होटल में, एंड द टाइम इज़ 5, और देखिए कितना ही प्यारा सनसेट दिख रहा है बालकनी से, और यहाँ पे भी कोई दरगाह वगैरह है सामने हाईवे है ये ऊना वाला। तो अभी हम दियोटसित से आए हैं इस तरफ से, और ये ऊना वाला हाईवे है, और ये पीछे गोविंद सागर डैम लेक है, तो इसलिए इसका नाम सागर व्यू होटल है।
और बालकनी की रेलिंग थोड़ी ऊपर से बना रखी है, तो मेरे को ऊपर करके व्यू लेना पड़ रहा है और काफ़ी बढ़िया सनसेट आ रहा है। और गोविंद सागर पहले आगे से दिख रहा था, ठीक है, रूम डिसेंट रूम है। तो मैं लॉबी में आया हूँ और यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है सनसेट, और जो नीचे आप लेक देख रहे हैं, अरे ब्लर हो गया, नीचे जो आप ये लेक देख रहे हैं ये है गोविंद सागर लेक। और क्योंकि यहाँ पे जो गोविंद सागर यहाँ पे डैम है उसकी लेक है, काफ़ी बड़ी लेक है, अगर आप मैप में भी देखेंगे हमीरपुर के साथ तो बहुत अच्छी लगती है। और हम अभी उस वाली रोड से आ रहे हैं सामने, यहाँ पे जो ये वाली रोड है, और कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे चीड़ के पेड़। और मैंने एक बार नोटिस की चीड़ के पेड़ इसी पहाड़ी से शुरू हो रहे हैं, अगर हम नीचे वाली साइड देखें तो यहाँ पे कोई चीड़ का पेड़ नहीं है, क्योंकि चीड़ के पेड़ एक डेडिकेटेड हाइट से स्टार्ट होते हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते, इनको ठंडा इलाका चाहिए होता है, तो आई गेस यहाँ से ही स्टार्ट हो रहे हैं पहाड़ों में। उसके बाद आगे ऊना वाली साइड में तो नहीं दिख रहे, और सनसेट देखिए कितना ही बढ़िया लग रहा है। तो सनसेट के बाद का व्यू देखो कितना ही प्यारा आ रहा है। ये हम थोड़ा होटल से आगे आए हैं, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे, और एकदम लालिमा छा गई है आसमान में सनसेट वाली, और ये हमेशा फोकस मिस कर देता है बीच में कैमरा। और नीचे कुछ गांव की लाइटें दिख रही हैं, और आगे जो ये वाला पार्ट है ये सारा गोविंद सागर है, लेक है पूरी, कितना प्यारा व्यू है यार। ये तो अंधेरा हो ही गया ऑलमोस्ट, अभी 6:15 हो गए हैं, सनसेट हो गया था कुछ अराउंड 5:30-5:30 के करीब, तो बस अभी चाय वगैरह पी के बाहर आए थे तो देखा एकदम बढ़िया सा व्यू आ रहा था आसमान से, तो हम सैर करते करते यहाँ तक आ गए। और हमारा होटल वो सामने है लाइटों में, ब्यूटीफुल।